मेरी बात में सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे वर्ष 2018 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की। यद्यपि इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में मध्य प्रदेश में सैकड़ों विकास कार्य हुए, लेकिन इस बात में भी तनिक संदेह नहीं कि इसी शासनकाल में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार ने भी अपनी चादर से ज्यादा पांव पसारे। प्रदेश में चारों ओर भ्रष्टाचार सिर से पांव तक फैला हुआ है और इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जिसका खामियाजा 2018 के विधानसभा चुनावों में शिवराज सिंह चौहान को भुगतना पड़ सकता है। नौकरशाही सरकार पर हावी हो चुकी है, और तो और नौकरशाही सरकार को कुछ समझती ही नहीं है। वह सभी कार्य अपनी मनमानी से कर रही है। चारों तरफ प्रदेश में तरह तरह के माफियाओं का खुला दबदबा बना हुआ है। किसान, व्यापारी, व्यवसायी, उद्यमी सभी सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। मनमाने टैक्स जनता पर जबरन थोपे जा रहे हैं और भोली भाली जनता नौकरशाही और सरकार के पाठ में पिसती ही जा रही है। अब जबकि विधानसभा चुनाव सिर पर आते जा रहे हैं, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान व उनका मंत्रिमंडल जनता को तरह तरह के प्रलोभन देने में लग चुके हैं। अब आम जनता इसके प्रलोभन में आती है या नहीं, ये बात आने वाला वक्त ही बतलाएगा। लेकिन हमारा ऐसा सोच है कि वर्ष 2018 में होने वाले विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री महोदय को पुनः सत्ता में आने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। उधर कांग्रेस नेतृत्वहीन होने के कारण सत्ता को प्राप्त करने की योग्यता रखते हुए भी सत्ता को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकेगी। खैर, देखिए भविष्य में ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन मेरी बात समाप्त करने से पहले ये बात बतला देनी आवश्यक है कि आगामी चुनाव भाजपा द्वारा आसानी से सुखद परिणाम देने वाले नहीं होंगे। मेरी बात में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को नमस्कार।